दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ प्रकाश और आप जैसे कि जानते ही हैं, दिस इज़ माय डॉटर रितिस्का और इनका कल बर्थडे था। तो मैंने सोचा था कि काफ़ी अच्छे से मैंने प्लान किया था, काफ़ी टाइमिंग लगी थी इनके डेकोरेशन करने में। अभी डेकोरेशन मैं आपको दिखाऊंगा कैसे किया था, लेकिन आसपास के लोगों को मैंने बुला लिया था तो थोड़ा सा घबरा गई थी ये। और हम लोग अभी हैं इनके दादा दादी के यहाँ, यानी कि मेरे मम्मी पापा के घर पे, अपने घर पे। तो ये थोड़ा सा अगल बगल के लोगों से स्ट्रेंजर फील कर रही थी तो थोड़ा घबरा गई थी। लेकिन हम लोगों ने इनका बर्थडे मनाया लेकिन दिखा नहीं पाए। और प्लानिंग ये थी कि इनके बर्थडे पे चार कोई प्लांट लगाए जाए, तो चार प्लांट लेके आया था मैं सागौन के, तो आज उसको लगाने जा रहे हैं। और इनका ये देखिए, ये डेकोरेशन मैंने खुद अपने हाथ से किया था और ये सारा कुछ मैंने अपने हाथ से किया था। जैसा मुझे समझ में आया मैंने इसे लगा दिया। ये मतलब कि जब तक डेकोरेशन हो रहा था तब तक खुश थी, लेकिन अचानक जब लोगों को देखा तो घबरा गई। शाम को जब काफ़ी लोग आ गए तो आज कल का जो प्लानिंग था कि कल सुबह उठते ही हम लोग प्लांटेशन के लिए जाएंगे, कुछ प्लांट लगाएंगे, लेकिन नहीं लगा पाए। पिछले इनके बर्थडे पे भी मैंने कुछ प्लांट लगाए थे जो अभी बड़े हो चुके हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं। तो अभी चलते हैं हमारे खेत पे और खेत पे चल के जो भी जैसा भी होता है दिखाते हैं। चलें चलो। और खेत पे जाने से पहले चार जो पौधे हैं वो लेके जाएंगे, और पौधों के साथ जैसे हमारे यहाँ पे एक छोटा फावड़ा होता है, खुरपी होती है जो यहाँ पे लोग बोलते हैं, वो भी लेके चलते हैं। और क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी खोदने के लिए, तो जैसा भी आगे का होता है आप ब्लॉग पे बने रहिए और देखिएगा। और ये हमारे खुद हाथ का किया डेकोरेशन है और यहाँ पे लोग आके बैठे थे। मशरूम खिला था कहाँ पे? दादी के पास ले, दादी के वो गमले में ना। हाँ। एक उस तरफ वाला ना उधर ही मशरूम खिला था। मशरूम? अच्छा चलो दिखाना मुझे। चलो तो अभी चलते हैं। बनाया बड़ा हो जाएगा। उल्लू बनाया तुमने? यहाँ पे रखी है ये जो है, ये छोटा सा ये फावड़ा है, ये बड़ा फावड़ा है, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं शायद। हम लोग ये मैंने लिया था। अच्छा तो ये छोटी खुरपी है और ये छोटा फावड़ा, इन्हीं दोनों से काम हो जाएगा। पापा ये वाला मैंने ढूंढा था ना। हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो ये रहा पौधा, ये चार पौधे हैं, एक दो तीन और ये चौथा इधर घुसा हुआ है। चार पौधे हैं और इसमें थोड़ी सी ये खाद भी है, तो ये सब तामझाम लेके चलते हैं। किधर? अच्छा हाँ, दो पौधे और लेके आए थे जिसमें से एक रोज़ था और एक डहलिया, तो यहाँ पे मैंने ला के रख दिया था। तो दोस्तों इस वक्त ये हमने उठा लिया है अपना पौधा। तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा फॉर्म हाउस कह लीजिए, जहाँ पे हम आज पौधे को लगाने वाले हैं। और ये पौधा इसके अंदर है, छोटी छोटी पत्तियाँ भी इस पे आ रखी हैं। सागौन का पौधा है ये, और ये एक ऐसा कमरा है जिसको हम लोग खेती के छोटे छोटे सामान रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पाइप पड़ा हुआ है जिससे हम लोग यहाँ पर पानी देते हैं, और ये साइकिल है। तो ये बाल्टी है जिसमें आज हम लोग पानी डालेंगे, पौधा लगाने के बाद इसी का प्रयोग होगा जो हम करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये रितिस्का इसमें जिद कर रही हैं कि ये जो मचान है, इसे हम लोग मचान बोलते हैं, इस पे इन्हें बैठना है, तो हम कोशिश करते हैं इनको बिठाने की। Thank you.
दोस्तों, ये बड़ी मेहनत से हम लोगों ने गड्ढा खोदा। इतना आइडिया तो नहीं है खेती किसानी का, लेकिन फिर भी हमने कर दिया है, गड्ढा खोद गया है। अब रितेश का इसमें पौधा लगाना है। चलो पहला पौधा तुम्हारे हाथ में। तो दोस्तों, ये खाद है और इस खाद को मैंने वहीं पौधा जहाँ से लिया था वहाँ से खरीदा था। उन्होंने कहा था कि थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स कर दें ताकि अच्छे से ये पौधा पकड़ ले। चलो दोस्तों, ये हमारे खेत के आलू हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, पौधा देख रहे हैं, आलू के हैं और ये हमारे खेत से आलू निकले हैं। रितिष्का से पूछते हैं कि कल क्यों इतनी ज़्यादा उदास हो गई थी, हुई थी अपने बर्थडे वाले दिन, बताओ। इसलिए क्योंकि मुझे तुम लोग ना अमृता दीदी से नहीं मिला। अमृता दीदी दरअसल एक यहाँ पे लड़की रहती है पास में, छोटी सी, इन्हीं के बराबर की, तो ये कह रही थी कि वो रुकेगी और उसके साथ ढेर सारा मुझे फ़ोटो खिंचाना है, ये सब हुआ। और इन्होंने ये देखिए अभी तो खेल रही हैं, तो कल इन्होंने सारी मेहनत मेरी की बर्बाद कर।